क्या ईशा की नमाज के बाद चार रकात नफिल पढ़ने से एक साथ क्या लैलतुल कद्र के जितना सवाब मिलता है? ऐसी एक हदीस है शायद, तो क्या वो सही है? जी इस तरह की एक हदीस है जो कि मरफूअन भी मरवी है और मौकूफन भी मरवी है। मरफूअन का मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब है, तो जो मरफूअन मरवी है वो ज़ईफ है, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ये हदीस साबित नहीं है। अलबत्ता कई सहाबा से मौकूफन ये मरवी है, या आप ऐसे दूसरे लफ्जों में कहें कि बाज़ सहाबा के आसार हैं जी। और वो कई आसार हैं, उन तमाम आसार के मजमुए को जमा करके इमाम अल्बानी या बाज़ दीगर उलमा ने उसे हसन दर्जे तक पहुंचाया है। बल्कि गालिबन इमाम अल्बानी ने कहा है कि चूंकि ये इबादत का मामला है, इसमें राय और इज्तिहाद का कोई दखल नहीं है, तो अगर सहाबी का कोई असर किसी ऐसे मसले में हो जिसमें राय का कोई दखल नहीं है तो वो मरफू के हुक्म में होता है और ये काबिले इहतिजाज है। तो इसमें सहाबा के जो आसार हैं वो सही है, अल्लाह के नबी सल्लम की मरफू हदीस साबित नहीं है। इस सिलसिले में तो अमल करना चाहिए शेख? हाँ, कर सकते हैं बिल्कुल। अगर जब उसे अगर हसन दर्जे तक पहुंचाया गया है या उसे मरफू के हुक्म में माना है बाद उलमा ने, तो इंशाल्लाह इसमें कोई हर्ज नहीं है। शेख ये जो रिवायत है ईदुल यानी लैलतुल कद्र वाली, तो शेख लैलतुल कद्र तो मतलब इतनी अजीम इबादत है और लैलतुल कद्र में इबादत करना इतना अजीम है, और इस ताल्लुक से रमजान की खुसूसन जो लैलतुल कद्र है इसके ताल्लुक से ढेरों अहादीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है, तो ऐसा क्यों है शेख कि ये अमल के ताल्लुक से कोई हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिल रही? देखिए, अगर अगर कोई एक रिवायत भी सही मिल जाए तो हुज्जत के लिए वो काफी है, और बाकी ये जैसे बाज़ लोग ये कहते हैं कि लैलतुल कद्र तो इतनी अजीम रात है, इतनी अजीम इबादत है, इतना अजीम अजर है, तो ये उसके बराबर कैसे हो सकता है? जी आप देखिए, कुबा मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के सिलसिले में जो रिवायत है कि अगर कोई किसी ने वहां पर जाकर के नमाज पढ़ा दो रकात तो उसको कितना अजर मिलेगा? उम्रे जितना अजर मिलेगा। तो उम्रा तो बहुत बड़ी इबादत है, और वहां मस्जिद में जाकर के सिर्फ दो रकात नमाज पढ़ने से उम्रे जैसा सवाब मिलेगा। तो यहां पर देखिए, उम्रे का सवाब नहीं मिलेगा, उम्रे जैसा सवाब मिलेगा उसके मिकदार में। यहां पर जो मुमासलत है वो मिकदार में है, जिस में नहीं है। ये इस नुक्ते को समझिए कि कदर सवाब में, सवाब की मिकदार में मुमासलत है, सवाब के जिन्स में मुमासलत नहीं है। जो उमरा करना एक जिन्स इबादत है तो वो अजर आपको नहीं मिलेगा, उसके मिकदार में अजर मिलेगा। अब लैलतुल कद्र एक अलग जिन्स है, तो लैलतुल कद्र आपको थोड़ी मिलेगा, लैलतुल कद्र के जितना अजर मिलेगा। तो पहली बात तो ये फर्क समझना जरूरी है। दूसरी बात ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत इतनी वसी है, लिहाजा हमें ताज्जुब नहीं करना चाहिए। हमें ताज्जुब जैसे जुमा के सिलसिले में जो रिवायत है, जुमा के सिलसिले में कि अगर कोई जुमा के दिन गया, ऐसे लंबी रिवायत है, एक एक कदम के बदले में एक एक साल के क्याम और सियाम का अजर मिलेगा, गालिबन ये अल्फाज है, कितना बड़ा अजर है। तो इस तरह बहुत सारी हदीसें, बहुत सारे आमाल हैं जिनका जो अमल तो बहुत मामूली दिखता है लेकिन उसका अजर बहुत ज्यादा है। तो अगर वो सही दलील से साबित है तो हमें उसमें हैरानगी की जरूरत नहीं है। और ये जो अभी जो मसला आपने बताया, इसमें मैंने कहा कि बहुत सारे इसमें उलमा का इख्तलाफ है, सही बात यह है कि मरफून साबित नहीं है, लेकिन जो आसार है उन आसार के मजमुए को इकट्ठा करके उसको रफा के दर्जे तक इमाम अल्बानी वगैरह ने पहुंचाया है, लिहाजा इंशाल्लाह इसमें इस पर अमल करने में कोई हर्ज नहीं है।